नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अब बात करने जा रही हूं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन की। जी हाँ, क्योंकि सीरियल सुहागन की कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा वाला ट्विस्ट। आपको बताते चले कि जो सीरियल सुहागन की कहानी है ना, उसमें हो चुकी है नए किरदारों की एंट्री, और अब ये नए किरदार मिलकर शो की कहानी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंदु है ना, उसका पूरा का पूरा जो है ना हुलिया बदल दिया गया है, उसका नेचर बदल दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो इंदु है वो स्वरा से नफरत करती है, और उसकी नफरत की आग का शिकार हर वक्त स्वरा ही होगी। ऐसे में स्वरा के साथ घर के अंदर इंदु बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती है, उसको देखना तक पसंद नहीं करती है। इंदु को ऐसा लगता है कि इस मनहूस ने ही उसके बाबू, उसके बेटे और बहू की जान ली है। इसके आते ही उन दोनों की जान चली गई, तो इसीलिए वो जो है ना इंदु जी हमारी स्वरा को मनहूस समझती है। उसी घर में एक नौकरानी है जो काम करती है, और उसकी बेटी के साथ स्वरा की बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन कई बार दोस्ती आसीन का सांप निकलते हैं, और ऐसा ही होने वाला है हमारी स्वरा की जिंदगी में, जो बोल नहीं पाती है, बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी बच्ची है। उसके साथ जो है ना हमारी ध्वनि छल करने वाली है, और उससे लड़ने वाली है, उससे पीठ पीछे वार करने वाली है, ताकि वो जो है ना स्वरा का सब कुछ उससे छीन सके। मगर क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? देखिए, क्योंकि शो में ना एक नए लड़के की एंट्री हो रही है, जो कि हमारे स्वरा और ध्वनि दोनों की जिंदगी में आ जाएगा, और इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और ध्वनि जो है ना स्वरा से उस लड़के को छीनने के लिए काफी कुछ पैतरे आसमाने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे पायल ने कृष्णा को पाने के लिए किया था, कई सारे झूठ छल ये सब बोले थे। तो गाइस काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा और थोड़ा सा चीजें भी अलग होगी, क्योंकि यहाँ जो है ना स्वरा और ध्वनि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक जो है ना बोल नहीं सकती और दूसरी उसकी आवाज है। तो हो सकता है कि कहानी में कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाए। तो फिलहाल के दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स लेकर।